Today we'll start chapter 5, Separation of Substances. This chapter will be completed in only one lecture, and this is first part. And we will complete in first part only theory portion. In second part will be continued NCERT solutions. So let's start. तो इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी पार्ट कवर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करना है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, और जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। एंड देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर्स, एंड वन ऑफ देम इज कंडेंसेशन एंड कैन वाटर डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज सेपरेशन। अगर हम बात करें सेपरेशन क्या है, तो नॉर्मल तौर पे हिंदी में हम बोलते हैं सेपरेशन मतलब पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना। मान लेते हैं आपको पता है कोई भी मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब अगर उन कंपोनेंट्स को हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेपरेशन। एंड द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस इज नोन एज सेपरेशन। यानी किसी भी मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, रिमूव करना, अलग अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेशन लाइक सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। चावल में अगर स्टोन्स पत्थर के टुकड़े पड़ गए हैं, आपको उनको अलग करना है, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन। सेकेंड इज कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, दूध से बटर निकालना, ये प्रोसेस भी कहता है सेपरेशन। ठीक है, तो किसी भी मिक्सर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, अलग करना, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन मेथड। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है भाई उनको अलग करना कोई भी मिक्सर से। देयर आर थ्री रीजन। फर्स्ट इज टू ऑब्टेन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट टाइप के, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कंपोनेंट्स को प्राप्त करने के लिए। मान लेते कोई भी मिक्सचर है लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए यूजफुल है, तो हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और उनको अलग अलग यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। दूसरा है कि मान लेते कोई भी मिक्सर है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें से अगर हम जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं या जितने भी हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज टू ग्रुप सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम ग्रुपिंग करने के लिए भी सेपरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस होते हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। There are two types of substances. First is pure substance and second is impure substances. Pure substance, the substance which contains only one type of particles. यानी कोई भी substance जो केवल एक ही प्रकार के particles contain करता है, उन्हें हम कहते हैं pure substance. For example, you can say water. Water में जितने भी atoms हैं, जितने भी molecule हैं, वो सभी एक ही प्रकार के हैं, एक only one type of particles. So that's called pure सब्सटेंस। अगर हम बात करें सेकेंड थिंग इज द इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस द सब्सटेंसेस विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई भी सब्सटेंस एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स को कंटेन करता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अ प्लेट ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद सम स्टोन्स। मान लेते कोई प्लेट है उसमें राइस और कुछ स्टोन्स मिले हुए हैं, तो दो टाइप के कंपोनेंट्स हो गए। तो जब दो टाइप के कंपोनेंट्स मिले होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, एंड दैट्स आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। यू कैन से आल्सो मिक्सचर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज सेम। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कंपोनेंट्स को मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। यदि कोई भी कंपोनेंट्स है, कोई भी मिक्सचर है जिसमें दोनों पार्ट जो है, दोनों कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है, तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब होता है हैंड से अलग उठा के अलग कर देना। जैसे मान लेते हैं चावल है, चावल में कंकड़ पड़े हुए हैं,
तो कंकड़ को हमें अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हाथ से उठा उठा के बिन बिन के बाहर निकाल देना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग, यानी कोई भी कंपोनेंट जो सॉलिड सॉलिड से है उसको हम हैंड पिकिंग मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन एंड एसिड। और इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो इम्प्योरिटीज हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो लार्ज साइज में, यानी उसे हम आसानी से हाथ से उठा के अलग कर सके, ठीक है, लाइक स्टोन्स हैं, पत्थर हैं या हंस भूसा वगैरह दैट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से सेपरेटिंग ग्रास, ग्रास मतलब घास को अलग करना फ्रॉम मिंट लीव्स, मिंट मतलब होता है आपकी जो आपका क्या कह सकते हैं कि पेपरमिंट होता है, तो पेपरमिंट जो होता है वो अलग ग्रास होती है, उसमें से अगर घास को अलग करना है तो हम हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। एंड सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम दाल, दाल से अगर पेबल्स को अलग करना है तो वो भी हम हाथ द्वारा उठा के अलग कर सकते हैं। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ओके आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द स्टॉल्स आर बीजन टू फ्री एंड क्लीन सीड। आपने देखा होगा इस समय जो किसानी है खेती में, खेती में जितने भी अनाज हम उगाते हैं तो उस अनाज से अब भूसा को अलग करना, अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बॉक्स, ये बैलों के द्वारा भी किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारा क्रॉप्स जो इकट्ठा कर देते हैं, सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसके चारों तरफ बैल घुमाते रहते हैं, उससे क्या होता है वो बीटन हो जाता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर अनाज को हम भूसे से अलग कर लेते हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस, आज की डेट में बहुत सारी मशीनें हैं जो थ्रेसिंग का काम करती हैं, जैसे आपका गेहूँ है, गेहूँ की थ्रेसिंग के लिए थ्रेशर मशीन होता है ना। तो द मेथड यूज बाई फार्मर्स ऑफ सेपरेटिंग टू ग्रेन्स फ्रॉम द सेल्फ ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी फसल काटने के बाद फसल से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ओके अंडरस्टैंड। विनोइंग, विनोइंग मतलब होता है उशाना, हिंदी में अगर बोलेंगे उशाना तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी आपने देखा थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग में क्या होता है कि बैलों के द्वारा जब हम थ्रेशिंग करते हैं तो बैल उसको चारों तरफ घूमते रहते उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अनाज को अलग नहीं करते हैं, अनाज भूसा दोनों एक साथ मिक्स होता है। अब आपको सेपरेट करना है दोनों, तो उसके लिए अगला प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं विनोइंग। इट इज द प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है उसमें दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, एक भारी है हैवियर है एंड सेकेंड इज लाइटर है। ओके अब इनको अलग करना है तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से फैन है ना कंपोनेंट्स का मिक्सचर बाई विंड और बाई ब्लोइंग एयर, बहुत तेजी से हवा चलाते हैं, हवा चलाने के लिए भी मशीन आती है उसके थ्रू हम हवा फ्लो करते हैं, या फिर अगर नॉर्मल हवा जो आपकी नेचुरल हवा होती है वो फ्लो होती है तो हम उसके ऊपर से ऐसे ऐसे नीचे नीचे गिराते जाते हैं तो जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उड़ के दूर उड़ जाते हैं और जो क्या कहते हैं हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं वहीं पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से हम दोनों को अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेटिंग, सेमिंग कैसे करते हैं, इट इज अ प्रोसेस विच अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय सेमिंग। सेमिंग का मतलब होता है हिंदी में छानना, छान कर अलग करना। मान लेते हैं दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों अलग अलग साइज के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, तो हम उसमें छन्ना लगा देते हैं और छन्ने के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो छन्ने के द्वारा नीचे गिराते हैं, जो बड़े साइज के कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें घर में भी आपने देखा होगा कि घर में अनाज का जो छानते हैं, मान लेते हैं अनाज में बहुत सारे कंकड़ मिले हुए हैं, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी फसल हमने उगाई उस फसल में चना है, चने के साथ सरसों भी है, अब चना और सरसों दोनों आपस में मिक्स है, अब आपको अलग करना है दोनों को, तो हम सेविंग प्रोसेस द्वारा करते हैं, छन्ना लगाते हैं उससे छानते हैं तो जो सरसों के दाने होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, बाकी जो चने के दाने होते हैं ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस से हम इस तरह से सेपरेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में या कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल तौर पर लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो आपका प्रोसेस होता है कि जब भी किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें एनर्जी अप्लाई करते हैं, हीट करते हैं, तो जब हीट करते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, और अगर इसी तरह हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, बट विद सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस एंड गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
तो सब्लिमेशन के थ्रू कैसे हम अलग करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कोई भी चीज़ से, जैसे ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सर जो ड्राई आइस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है, जिस तरह से हम नॉर्मल जो वाटर होता है उसका बर्फ जमा लेते हैं, तो वाटर का जो है बर्फ होता है। लेकिन अगर हम CO2 गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विड कन्वर्ट करके सीधे हम क्या कहते हैं सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो सॉलिड CO2 होती है उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या होता है, वो डायरेक्टली बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं किसी भी चीज़ में है, तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसको देंगे तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, अर्थात बाहर निकल जाता है। दूसरा प्रोसेस अपन कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं नेफ्थलीन बॉल या फिर आर्सेनिक है, आयोडीन है, ये सभी क्या होते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, अभी हम बात कर रहे थे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड अगर दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स है तो उनको सेपरेट करने की 5 मेथड्स से अपन ने पढ़ लिए। अब हम बात करने वाले मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, अगर कोई भी सॉलिड में लिक्विड मिक्स है, लिक्विड में सॉलिड मिक्स है, तो उसमें से अगर आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस आपका इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पन। कैसे होता है कि इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज वेन वी वॉन्ट टू गेट बैक अ सब्सटेंस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड, इन दिस प्रोसेस लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फ्रॉम ऑन हीटिंग। मान लेते हैं कोई भी सॉलिड है जो वाटर में यानी लिक्विड में डिजॉल्व, कोई भी सॉलिड यदि लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है और उसमें से आपको सेपरेट करना है तो हम कौन से प्रोसेस यूज करेंगे, इवेपोरेशन। ओके फॉर एग्जाम्पल यू कैन से शुगर डिजॉल्व इन वाटर, अब शुगर क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व होता है और उसको शुगर को अगर से सेपरेट करना है तो हम इवेपोरेशन मेथड का यूज करेंगे बाय हीटिंग। आपके पास जो सॉल्यूशन है, जो आपके पास मिक्सचर है उसको आप हीट करेंगे, तो हीट करने से जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो वाटर होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। बाय द इवेपोरेशन मेथड यू कैन सेपरेट ऑल द शुगर एंड वाटर इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप। ओके तो इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से गेटिंग साल्ट आउट ऑफ साल्टी वाटर, समुद्र से अगर हम नमक बनाते हैं तो नमक बनाने की जो प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन होता है। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, उसको हम खेत में फैला देते हैं, इसके बाद सनलाइट की वजह से इवेपोरेट होता है, पानी ऊपर चला जाता है और साल्ट नीचे बच जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। होप यू हैव अंडरस्टैंड। ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, पर्टिकुलर क्रिस्टल्स की जब हम बात करते हैं, क्रिस्टल्स मीन्स सॉलिड, कोई भी चीज़ अगर वो लिक्विड में है, गैस में है और इसके बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन यू कैन, इट इज अ प्रोसेस विच सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर अपन को क्रिस्टलाइजेशन यानी जो सॉलिड अपन ने डिसॉल्व किया है उसको वापस क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त करते हैं, दस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो कैंसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि घर में हम शरबत बनाते हैं, शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं वाटर में शुगर डिजॉल्व करते हैं। अब वाटर में शुगर डिजॉल्व करते जाते हैं, एक निश्चित समय के बाद वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद आप अगर एक ही पार्ट के उसमें शुगर का डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो चुका है। अब उसके बाद जो भी आप सॉलिड डालेंगे वो क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म में नीचे सेपरेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है, वही क्या कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ आइस इन सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो आइस बन जाती है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि वही समुद्र का पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे क्रिस्टल कहते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। एक जानकारी यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, ऑन एवरेज 1 किलोग्राम सी वाटर कंटेंस 964 ग्राम वाटर एंड 35 ग्राम डिजॉल्व साल्ट। अगर 1 किलोग्राम हम पानी लें समुद्र का तो उसमें 965 ग्राम वाटर एंड 35 ग्राम डिजॉल्व साल्ट, उसमें साल्ट डिजॉल्व होता है। ओके अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सॉलिड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड्स। अब हम ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करने वाले हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता।
अभी पहले हमने क्या बात की थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा सॉलिड सॉलिड दो कंपोनेंट्स है जिसका मिक्सर बना हुआ है, उसको सेपरेट करने के लिए अपन ने फाइव मेथड दिए थे। उसके बाद कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है उसके लिए दो मेथड्स अपन ने पढ़े थे। इसके बाद ये तीसरा है सेपरेशन ऑफ सॉलिड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है और उनको आपको सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट द हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन। मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है, उस कंपोनेंट मतलब लिक्विड है, लिक्विड में दो सब्सटेंस मिले हुए हैं, उस दो सब्जेक्ट्स में एक हैवियर है एक आपका लाइटर है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जैसे सेटल डाउन हो जाते हैं तो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म को हम अलग कर देते हैं और जो अनडिसॉल्व सॉलिड होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मान लेते पानी में हमने पत्थर मिला दिया, अब पानी में भी हम पत्थर मिला देंगे तो पत्थर क्या होता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, अब पानी को धीरे धीरे हम बाहर निकाल ले तो पत्थर नीचे बच जाएगा, तो पानी और पत्थर को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पोजिशन इज सिग्रेटेशन। सिग्रेटेशन क्या होता है, सेपरेटिंग फनल। मान लेते कोई दो लिक्विड है वो आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। वेन टू लिक्विड इमिसिबल नॉट मिक्स दैट्स कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। अब आपको तो दोनों को अलग करना सेपरेट करना है, तो उसको बाई द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल केमिस्ट्री लैब में अगर कभी जाएंगे तो वहाँ पर एक सेपरेटिंग फनल्स होता है, एक कोन आकार का होता है, उसमें नीचे कैप लगा होता है, और आपको पता है कि जो टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके डेंसिटी अलग होने की वजह से उनके अलग अलग फेज होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल की बात करें तो यदि हम वाटर में थोड़ा सा ऑयल मिला दें तो वाटर ऑयल को कभी आप मिक्स करो तो कभी मिक्स नहीं होते हैं, अर्थात दोनों इमिसिबल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है और हल्का होने की वजह से ऊपर फ्लोट करता रहता है जबकि वाटर नीचे रहता है। अब आपको दोनों को सेपरेट करना है तो सेपरेटिंग फनल लेंगे, उसमें हम जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे, नीचे आपका वाटर है ऊपर ऑयल है, नीचे टैब ओपन करेंगे, जैसे टैब ओपन करेंगे धीरे धीरे वाटर अलग हो जाएगा और जैसे ऑयल नीचे पहुंचता है तो हम टैब को बंद कर देंगे। इस तरह से ऑयल और वाटर दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन या सेपरेटिंग फनल। थर्ड इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मतलब होता है छानना। मान लेते कोई भी सॉलिड है और लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपको अलग करना है तो सबसे अच्छा प्रोसेस है छानना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि छानने के लिए जो भी उसमें लिक्विड अवेलेबल है वो फिल्टर पेपर के थ्रू छान जाए, ठीक है। द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाई द फिल्टर पेपर और स्टेनर, या तो छन्नी से या फिर फिल्टर पेपर से हम छान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर बाई यूजिंग फिल्टर पेपर। अगर आपने पानी में मिट्टी घुल गई है और मिट्टी को पानी को अलग करना है तो हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, वाटर अलग हो जाएगा मिट्टी आपकी अलग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है कि जब कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जब कोई भी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वाटर वेपर्स जो होते हैं, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, लेकिन इसके बाद वो क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे बारिश जो होती है, तो बारिश कैसे होती है, तो नीचे से जो वेपर्स जाते हैं ऊपर तो गैस फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जाके नीचे गिर आते हैं। तो कोई भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इट इज द प्रोसेस बाई विच द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द गैस फेज टू लिक्विड फेज। फॉर एग्जाम्पल वेन वाटर वेपर्स कम इन द कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस ऑफ वाटर। अब देखो कि अगर आपने कोई बर्फ की बॉटल ले लो जिसमें बर्फ भरा हो, उसको आप खुले में रखो तो आप देखेंगे उसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो हमारे अराउंड में जो हमारा एटमोसफियर है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर वेपर्स क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में है, लेकिन जैसे ही हमारी बॉटल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस से भी हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड है आपका, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो किसी भी सब्सटेंस को कितनी भी मात्रा में डिसॉल्व कर सकता है, तो नहीं, उसकी एक डेंसिटी होती है।
अभी लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबल इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वही प्रोसेस है। एंड वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस ऑन इट, यानी जो वाटर होता है वो डिफरेंट अमाउंट में सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक किलो अगर हम शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो एक ही किलो में हम दूसरा सब्सटेंस यानी सॉल्ट भी डिजॉल्व कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं। सेकेंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वन विच कैनॉट डिजॉल्व मोर देन सब्सटेंस। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अगर आप कंपोनेंट डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज टू डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन वी हैव टू हीट, और अगर उसके अलावा भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको सब्सटेंस डिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो डिजॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो यहां पर ये फिफ्थ चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अर्थात एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल for daily notification and press the bell icon. Thank you so much.